प्रखंड के पुरैनी गांव में करीब 80 घरों के परिवार 40 सालों से निवास कर रहे हैं। सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि 3 डिसमिल जमीन मिलेगा, लेकिन जिस जमीन पर उनका घर बना हुआ है उस जमीन का कोई भी कागज किसी प्रकार का नहीं है। उतने दिन से आप लोग हैं तो यहाँ पर रहने में कोई परेशानी होती है? परेशानी होता है, आता है तो कहता है कि ये सब इन लोग के क्या है, तो ये सब कब जाएगा कब नहीं जाएगा, इन लोग के सरकार भी कोल नहीं देगा, तो इन लोग के सरकारी जमीन है तो कहाँ बनाएगा कहाँ रहेगा उठाएगा, यही सब दिक्कत होता है। अब हम लोग यहाँ से कब चल जाएंगे तो हम लोग के क्या पता है। दिक्कत तो बहुत कुछ हो रहा है। क्या क्या हो? कुछ भी हम लोग के गाँव में आता है, कुछ हर एक काम भी आता है, लेकिन नहीं हो पाता है। किस लिए नहीं हो पाता है कि मतलब कि जैसे हम लोग कागजात नहीं है, इस कारण हम लोग बेकानून हो जाते हैं ना, नहीं तो हम लोग भी लड़ सकते थे। बच्चा के पढ़ाने लिखाने सरकारी स्कूल है, आंगनबाड़ी नहीं है इस जगह। इसके लिए कहीं आवेदन दिए थे? इसके लिए दिए थे तो अभी हम लोग तो अनपढ़ है तो कहाँ ले गया नहीं आया। पढ़वा के कहाँ पता? पता है, हम लोग तो आता है तो लिखवा देते हैं कि हाँ तो ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही लिखवा दिए हैं। आते हैं नहीं आते हैं क्या जानते हैं, बीच में क्या छेड़ता है नहीं करता है तो लोग, हम लोग तो मालूम नहीं, हम लोग तो अनपढ़ हम दिए। जो इंदिरा आवास आता है उसको में भी मिलता है लमसम, 5 को मिला तो वही फिर बंद कर दिया, उसको बाद में फिर मिलेगा 20 साल के बाद है। और सो मिला कितना मिला था घूसे पर चल गए। कॉलोनी वॉलोनी आएगा तब बिना आवासीय के तो नहीं देगा, होगा हम लोग के तो नहीं है। जमीन भी बेच सकते हैं हम लोग, तो बिकेगा तो नहीं भी, तो हम लोग कहाँ भी जाएंगे। और हम लोग के बच्चे का भी कुछ भी होता है नहीं, कहता कि बोल खाली नाम है तो इसका तो जमीन जायदाद है ये नहीं, तो किस पर होगा। मैं चाहता हूँ कि पुरैनी गांव के सभी घरों के जमीन का कागज बहुत जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि किरण देवी की तरह और भी ग्रामीणों को इस समस्या का सामना ना करना पड़े। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सीओ का मोबाइल नंबर 94 71 69 40 63 पर कॉल करके समुदाय का सहयोग करें। मैंने तो आवेदन लिख के दिया था तो सीओ ने बोले कि सभी घर का एक एक आवेदन मुझे जमा कर दो, मैंने जाकर जमा कर दिया। मैं अमित कुमार, गया जिला बिहार से, इंडिया नेट के लिए।